तिलकनगर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में वृंदावन से आए कथाव्यास अनुराग शास्त्री ने सुदामा चरित्र के बारे में वर्णन किया और इस दौरान यहां पर आए हुए भक्त प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में रमे हुए नजर आए। कथाव्यास अनुराग शास्त्री ने बताया कि उनके दादा पंडित श्रीनाथ शास्त्री को भगवत भूषण पुराणाचार्य की उपाधि मिली है और उनके दादा का कानपुर से गहरा नाता भी था। उनके दादा ने परमठ में रहकर कई वर्षों तक भगवत कथा का वाचन किया है। कानपुर में पहली बार आए कथाव्यास अनुराग शास्त्री ने यहां पर अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। वहीं आयोजक गुलशन धूपड़ ने बताया कि 7 जून को श्रीमद् भगवत कथा में पूर्णाहुति और भंडारा आयोजित होगा। तो मुझे अपनी बहन जी से प्रेरणा मिली अनुराग शास्त्री जी का, हमने वहाँ पर भगवत कथा सुनी और हम वहीं पर 7 दिन रहे। फिर अभी आज भगवान ने यहाँ मौका दिया तो हमने उसको बेनिफिट उठाया और हमने यहाँ पर कथा का इंतजाम किया। आज कथा का 5वां दिन है और 7 तारीख तक कथा चली। 7 तारीख को पूर्ण आहुति और भंडारा होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्र के इस कानपुर में धूपर परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की पावन मंदाकिनी में मुझे कानपुर नगर में आने का सौभाग्य मिला, जिस भूमि पर मेरे परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव भागवत भूषण पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज ने परमठ में 17-18 वर्ष लगातार कथा बाँची है, जिनका जीवन तपस्या का जीवन रहा है और भागवत में उनको भागवत जगत का पितामह भीष्म कहा जाता है। चारों शंकराचार्यों को जिन्होंने कथा सुनाई है उनका सुपौत्र, उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मुझे मिला है, उनके चरणों में बैठकर भागवत पढ़ने का सौभाग्य मिला और आज कानपुर नगर में आकर के मैं अपने आप को धन्याति धन्य मान रहा हूँ। उस भूमि को जाकर प्रणाम किया जहाँ पर उन्होंने कथा बाँची।